आईटी मंत्री से कागज छीनकर फाड़ने वाले टीएमसी सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड आदेश के बाद काफी देर सदन में बैठे रहे टीएमसी सांसद। ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को हाईकोर्ट से राहत, गवाही देने के लिए उत्तर प्रदेश जाने की दरकार नहीं। डीआरडीओ ने किया नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण, इसकी ताकत से कांपेंगे दुश्मन। बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती, आज एमपी के आजाद पार्क में किया गया वृक्षारोपण। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे हरदा, अस्पताल का किया निरीक्षण, कांग्रेस ने जताया विरोध। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह, और चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। हरदा जिले में जल संसाधन मंत्री आज पहुंचे। आपको बता दें कि जल संसाधन मंत्री व हरदा के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा प्रथम नगर आगमन है, और ऐसे में उन्होंने जिला चिकित्सालय और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ हरदा कलेक्ट्रेट में उन्होंने बैठक की, जहां उन्होंने बताया कि सबसे पहली प्राथमिकता से ऑक्सीजन में जिला आत्मनिर्भर बने और 100% वैक्सीनेशन पूर्ण हो, ऐसी उनकी उम्मीद है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के साथ कृषि और कल्याण मंत्री कमल पटेल के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने, जिला अध्यक्ष ओम पटेल और पूरे तमाम कांग्रेसियों ने प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगरे का कहना है कि जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट अवसरवादी नेता है, वो कांग्रेस कहां छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अखिलेश, जिस तरीके से आज जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हरदा पहुंचे थे, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी है? जी अनुष्का, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो लोग हैं, तुलसी सिलावट जो है हरदा के पालक मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, ऐसे में कांग्रेस का काले झंडा दिखाना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा कहा गया है और हम भी देखते हैं पूरे प्रदेश में और चाहे पूरे राज्य में काले झंडे इसलिए दिखाए गए हैं ताकि ये तुलसी राम सिलावट जो है कांग्रेस के अनुसार ये अवसरवादी नेता हैं, दोगले हैं, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है, इसलिए इन्होंने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे लोग भाजपा में शामिल होकर केवल और केवल अपना विकास करते हैं, ना कि लोगों का, यह कहना कांग्रेस जनों का है, इसलिए उनको काले झंडे दिखाकर और गिरफ्तारी की गई। तो अखिलेश, जिस तरीके से जल संसाधन मंत्री आज हरदा पहुंचे थे, ऐसे में तमाम कार्यक्रम भी उनके देखने को मिले हैं, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में बैठक भी आयोजित की है, साथ ही अस्पताल के निरीक्षण भी किए, ऐसे में और क्या कुछ कार्यक्रम आज उनके द्वारा किए गए हैं? जी, आज उनका जिला अस्पताल का निरीक्षण करना था, जिसमें 100% वैक्सीनेशन को के ऊपर जोर दिया गया है, और जो है हरदा को हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं कमल जी पटेल, कृषि मंत्री जो है, इनका एक ही लक्ष्य है कि हरदा जिला अपने प्रांत का और राज्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ, प्रांत का नहीं पूरे राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला बने और विकास के सारे दरवाजे खोलकर इन पर हरदा के लोगों को पूरी सुविधाएं दी जाए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरदा से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि वहां जल संसाधन मंत्री ने तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की, वहीं कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कराया गया। मालवा के वीर सपूत शहीद चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस यानी आजाद जयंती पर आज उनके जन्म स्थान भाभरा में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और आजाद पार्क में वृक्षारोपण किया गया। इसके साथ ही आजाद नगर को फायर ब्रिगेड अग्निशामक वाहन सौगात स्वरूप कह सकते हैं कि दिया गया, साथ ही वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया है। इसके पश्चात आजाद नगर मंडी प्रांगण में आम जन को संबोधित भी किया गया, जहां चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के बारे में जानकारी दी गई।
आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले दो स्वतंत्रता सेनानियों की आज जयंती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनके जन्म जयंती पर देश सलाम कर रहा है। इस दौरान रायसेन में सिलवानी के ग्राम पंचायत चैनपुर में ग्रामीणों द्वारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें नमन किया गया। प्रदेश के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया रतलाम पहुंचे, जहां मंत्री भदौरिया ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने स्थानीय विकास के मुद्दों पर सवालों के जवाब भी दिए। वहीं मंत्री ने भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज के नेतृत्व में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में कार्यकर्ता फिलहाल जुट जाए। गरीबों के कल्याण की योजनाओं को लागू करने में कार्यकर्ताओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही सर्किट हाउस पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मंत्री ओपीएस भदौरिया ने स्थानीय नागरिकों से भी मुलाकात की। इसके बाद मां कालिका के दरबार में वे दर्शन करने पहुंचे। वहीं रतलाम के महाराजा रतन सिंह और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक इकाई अमरपाटन में धरना प्रदर्शन किया गया और महामहिम राज्यपाल के नाम 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्य मांगे डीजल पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि, घरेलू एलपीजी गैस के बढ़ते दाम, बिजली कटौती, प्रदेश में नीट की परीक्षा पर ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया गया है, उसे वापस लागू किया जाए और ओबीसी का आरक्षण 27% किया जाए आदि बातों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं ज्ञापन सौंपने के लिए तमाम लोग वहां मौजूद रहे। लोगों का जो धरना प्रदर्शन था आज का, 16 सूत्री मांगे हम लोग की और 16 मांगे पूरे ज्ञापन में विधिवत सारी जानकारियां इकट्ठा करके और सारी समस्याएं जो हैं, जो देश और विदेश की सरकार आजाद आम जनता के ऊपर, चाहे वो डीजल पेट्रोल की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, आज बताइए पूरी गाइडलाइन में शॉपिंग मॉल खुल गए, थिएटर खुल गए, पूरा मार्केट चालू है, शादी ब्याह चालू है, तो विद्यालय भी गाइडलाइन निर्धारित करके और चालू करना चाहिए। बच्चों का भविष्य, छोटे छोटे बच्चे जो बनता था वो भी भूल गए। आने वाले समय में तो लगता है कि शिक्षा का क्या स्तर होगा। हम लोगों का जो सलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो जिस तरीके से इस वक्त पूरा मामला सामने आया है, जहां पर सतना में विरोध प्रदर्शन देखा गया है और 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आज ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये गौरीशंकर कुशवाहा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव, जिला महासचिव हैं, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है डीएम को। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और गैस के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और लाइट के बिलें बढ़ रहे हैं, और किसी भी तरीके से शासन गरीब और विश्व में किसी भी तरीके से मदद नहीं पहुंचा रही है लोगों को, तो इसके लिए जो है तो ज्ञापन दिया गया है। आज ज्ञापन सौंपा गया है, 16 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं, इसमें महंगाई के अलावा क्या कुछ मुद्दे निकलकर सामने आए हैं जिनको लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है? हाँ, मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अमरपाटन तहसील में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, जहाँ पे जो है तो ओपीडी सिस्टम खत्म कर दिया गया है अभी, क्योंकि वहाँ निर्माण कार्य चालू है तो ओपीडी सिस्टम नहीं बनाया गया, जिसके लिए डॉक्टर अपने क्वार्टर पे मरीजों को देखते हैं, मनमानी फीस वसूलते हैं। खास तौर से ये मुद्दा जो है कि गरीब पीड़ित व्यक्ति इस समय कोरोना काल में वैसे भी परेशान है, उसके बावजूद भी ये डॉक्टर अपने रूम पर बैठ कर मनमाना फीस लेते हैं और मरीजों को देखते हैं, ओपीडी सिस्टम चालू नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयों की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा एक मोहारी कटरा गांव है जो कि पहले अमरपाटन थाने के अंतर्गत आता था, अब उसे काटकर रामपुर क्षेत्र के अंदर जोड़ दिया गया है, और एक चुराटा खरवाही है ग्राम है जिसे जो रामपुर मैकिन के क्षेत्र में आता था लेकिन उसे अमरपाटन क्षेत्र में जोड़ने की बात हुई थी, जो अभी तक नहीं किया गया है। तो जिस तरीके से आज आपने बताया कि किस प्रकार से अपनी मांगे रखी गई हैं कांग्रेस की तरफ से, जिस तरीके से ज्ञापन राज्यपाल के नाम का सौंपा गया है, ऐसे में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके अंतर्गत आप तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेसियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, ऐसे में मुख्य रूप से कौन कौन से अधिकारी या फिर कौन कौन से वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता तो वरिष्ठ रहते ही हैं, जैसे कि ये सतना विधायक
डब्बू कुशवाहा जी हैं और कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता रहते हैं वो सम्मिलित रहते हैं, बाकी शासन प्रशासन की तरफ से उच्च अधिकारी तो कभी आते नहीं है इन मामले में, और छोटे ही अधिकारी जैसे कि एसडीएम वगैरह आते हैं और बाकी उच्च अधिकारी तो आते नहीं है, जिसकी वजह से जो है तो छोटे अधिकारियों को ही ज्ञापन सौंपा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद इस्लाहुद्दीन इस तमाम खबर के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सतना से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जो कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि 16 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा है। सीहोर जिले के आष्टा में अलीपुर क्षेत्र में जनपद पंचायत के परिसर में मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल इस वक्त शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शासन के खिलाफ आंदोलन करने की भी चेतावनी दी जा रही है। कर्मचारियों ने बताया कि छठे वेतनमान की गणना सही तरीके से नहीं होने की वजह से सातवां वेतनमान नहीं देने और रोजगार सहायकों का नियमितीकरण नहीं किए जाने को लेकर इस वक्त आंदोलन किया जा रहा है। जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। में इस वक्त वेतनमान में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की जा चुकी है, वो जो अभी तक जारी है। आपको बता दें कि लगातार वेतनमान में गड़बड़ी को लेकर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों के पास जा रहे थे, वहीं जब मामले में सुनवाई नहीं की गई तो मजबूरन कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा है। वहीं सीहोर जिले के आष्टा में इंदौर भोपाल हाईवे रोड दरगाह के पास स्थित शासन द्वारा पीएम आवासीय कॉलोनी को 8 महीने पहले बनाया गया था, जिसमें इस वक्त 150 पात्र रह रहे हैं, लेकिन कॉलोनी वासी वर्तमान में भी शासन प्रशासन की मनमानी और उदासीनता के चलते बिजली सड़क पानी की बाट जो रही है। रहवासियों ने पूरे मामले को लेकर सीहोर कलेक्ट्रेट को जानकारी दी है। आपको बता दें कि इसी के साथ उन्होंने नगर पालिका अधिकारी को लिखित में भी आवेदन सौंपा है, मगर शासन के कानों में इस वक्त जू तक नहीं रेंग रही है, जिसके बाद कॉलोनी रहवासियों का आक्रोश बढ़ गया है और एक बार फिर से पीएम आवासीय कॉलोनी के रहवासियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही पीड़ित लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। जावरा में इस वक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके अंतर्गत जिला पंचायत जनपद के अधिकारी कर्मचारी सहित सचिव व सहायक सचिव और विभिन्न संगठनों के अधिकारी इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। इसकी जानकारी देते हुए संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता ने बताया कि कई समय से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी सरकार से अपनी मांगों को लेकर आवेदन कर रहे हैं, पर कोई भी सुनवाई इस पूरे मामले में नहीं हो रही है, जिसके बाद मजबूर होकर सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संयुक्त मोर्चा संघ के तत्वावधान में जनपद पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव तथा मनरेगा कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन कलम बंद काम बंद हड़ताल 22 तारीख से की गई है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। सिंगरौली जिले के निगरी से वाराणसी तक चलने वाली सिद्धार्थ ट्रैवल बस में देर रात माजन मोड़ के पास आधा दर्जन से ज्यादा संख्या में आए नकाबपोश बदमाशों ने बस को रोककर उसके साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद ड्राइवर कंडक्टर समेत बस में मौजूद यात्रियों के साथ मारपीट की गई, जिसमें ड्राइवर कंडक्टर सहित बस में सवार यात्री और को भी काफी चोटें पहुंची हैं। आपको बता दें कि बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नवानगर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए सिंगरौली बैडन ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद से कई यात्री दहशत में हैं।
एक बस है, बनारस जाने वाली बस है, मिली निवास से चलती है। अभी बस के साथ तोड़फोड़ हुई है, ड्राइवर और कंडक्टर को चोट लगी है। ड्राइवर कंडक्टर से बात किया हूँ, कोई विवाद का कारण स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि जो घायल हैं उनको अस्पताल के लिए रवाना किया गया है और बस थाने में सुरक्षार्थ भेजी गई है। और अभी ड्राइवर और कंडक्टर से पूछ के FIR दर्ज की जाएगी। इंदौर में शराब कारोबारी अर्जुन ठाकुर पर हुए गोली हत्याकांड मामले में मुख्य दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया गया है। जिला न्यायालय से पुलिस ने दोनों ही बदमाशों से पूछताछ के लिए 28 जुलाई तक रिमांड ले ली है। रिमांड पर बदमाशों का नियमित मेडिकल कराना भी आवश्यक रखा गया है। बता दें कि बीते दिनों इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी अर्जुन राठौर व अन्य लोगों के साथ समझौते के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। तभी बैठक के दौरान कुख्यात बदमाश सतीश भाऊ हेमू ठाकुर और चिंटू ठाकुर सहित अन्य बदमाशों ने अचानक से हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक गोली शराब कारोबारी अर्जुन ठाकुर को जाकर लगी। घायल अर्जुन को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने घायल के बयान के अनुसार हेमू ठाकुर, चिंटू ठाकुर सहित बदमाश सतीश भाऊ के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर लिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। रतलाम में महिलाओं से जुड़े यौन शोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले के थानों में बीते माह के अंतर्गत यौन शोषण के एक दर्जन से अधिक मामले सामने आ गए हैं। एक ऐसा ही मामला जिले के जावरा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक युवती के साथ शारीरिक शोषण किया गया। वहीं आरोपी ने युवती को ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार जावरा शहर थाना अंतर्गत जिला मंदसौर नामक एक आरोपी युवती की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा था। इस दौरान आरोपी ने युवती के अश्लील फोटो भी लिए, जिसके बाद से आरोपी उन फोटो के सहारे युवती का कई बार शारीरिक शोषण कर चुका है। फिलहाल पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ, कल जावरा शहर की एक युवती ने रिपोर्ट की थी कि वो हर्बल न्यूट्रिशन कंपनी में काम करती है और उसी में एक गरोड़ के मिस्टर अनिल पिता रमेश चंद मौर्य, वो भी काम करते हैं। उनने कुछ ऐसा बहला पुतला के उनको अपने जाल में फंसा लिया और कुछ फोटो वोटो लेने के बाद उसको ब्लैकमेल और डराने धमका को लेकर उसका यौन शोषण किया। इस प्रकार की रिपोर्ट पर से 376 और अन्य धाराओं में एक प्रकरण कायम पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी अनिल को गिरफ्तार किया गया। रायसेन में इस वक्त ठेकेदार की लापरवाही और अफसरों की अनदेखी का खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। आए दिन मवेशी पुल की रेलिंग न होने के कारण पुल की चपेट में आ रहे हैं और पुल से नीचे गिर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक करीब 15 मवेशी गिरकर अपना दम तोड़ चुके हैं। अधिकारियों को ज्ञापन देकर कई बार मामले से अवगत कराया जा चुका है, पर अभी तक मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मामले की सुनवाई नहीं की जाती तो ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सीहोर के रेहटी थाने से रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक बहन ने अपनी बहन को पैसों के लालच में पड़ोसी राज्य में बेच दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल को रेहटी निवासी एक व्यक्ति ने रेहटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी लापता चल रही है। रिपोर्ट के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी अरविंद कुमरे के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और महिला की खोज शुरू की गई, जिसमें पुलिस टीम ने कई लोगों से पूछताछ की। इस दौरान जांच में पुलिस को कुछ अहम तथ्य मिले, जिससे पता चला कि गुम हुई महिला फिलहाल राजस्थान में है, जिसके बाद पुलिस ने महिला को राजस्थान से बरामद कर लिया। जब महिला से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसकी मुंह बोली बहन ने उसे काम दिलाने के बहाने से गौहरगंज से रायसेन ले गई। यहां से एक अन्य आरोपी और उसकी बहन शादी के बहाने उन्हें राजस्थान ले गई और महिला को 1,85,000 रुपए में दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। हालांकि इसमें से दो आरोपियों को पुलिस गिरफ्त से भी इस वक्त बाहर चल रहे हैं। लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जांच दौरान उसकी तलाश पताश आ गई, पर उस समय कुछ पता नहीं लग पाया था। जांच पर ये पता चला, कुछ सूत्रों से पता चला कि उस महिला को राजस्थान में किसी के द्वारा कहीं बेचा गया है, तो गहन इसकी जांच की गई। इस संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय SS चौहान द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि एक टीम बनाई गई और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि उसको
तत्काल इसको एक टीम भेज करके और महिला को बरामदगी की जाए तथा जिनके कब्जे में है, जिन्होंने बेची खरीदी है, उन आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। तो जिनमें से एक आरोपी को, जो मुख्य आरोपी है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य जो दो आरोपी हैं जिनके माध्यम से उसमें इस महिला को बेचने की बात सामने आई है, उसकी भी हम शीघ्र। कोरबा जिले के विकास खंड पोड़ी उपरोड़ा में ग्राम कोरबी में एक सप्ताह के भीतर रहस्यमय तरीके से 35 से अधिक पालतू मवेशियों की मौत हो गई। वहीं दो दर्जन से अधिक मवेशी अभी भी गंभीर स्थिति में हैं। बात सामने आई है कि जिला कलेक्ट्रेट श्रीमती रानू साहू ने पूरे मामले में जांच पड़ताल के लिए एसडीएम के नेतृत्व में मौके पर वो पहुंची और चिकित्सकों द्वारा पीड़ित मवेशियों का इलाज कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि गलघोटू और एक टंगिया नामक बीमारी से बचाव के लिए चिकित्सकों द्वारा लगभग एक सप्ताह पहले ही इन मवेशियों को टीका लगाया गया था। टीका लगने के कुछ घंटे बाद से ही ग्राम कोरबी निवासी किसानों के पालतू मवेशियों की मौतें होना शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक एक क्षेत्र में 35 से अधिक मवेशियों की अकाल मौत हो चुकी है। माना यही जा रहा है कि टीकाकरण के बाद से ही मवेशियों की हालत बिगड़ने लगी है और उनकी मौत का क्रमबद्ध सिलसिला अभी भी जारी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे कोरबा संवाददाता हरिराम जुड़े हुए हैं। तो हरिराम, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां रहस्यमय तरीके से 35 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई है, जिसमें टीकाकरण एक मुख्य वजह बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? हाँ जी बिल्कुल, ये जिला मुख्यालय से लगभग 78 किलोमीटर दूर कोरबी जनपद पंचायत है। वहां से तारीख 16 को खबर आई कि वहां पर गायों की मौत हो रही है, जो पालतू गाय है, मवेशी है, उनकी मौत हो रही है। प्रशासन सख्ते में आ गया और ग्रामीण परेशान हो गए कि गाय मर क्यों रही हैं। उसके बाद जिला प्रशासन को जब खबर लगी तो उन्होंने एक टीम बना के चिकित्सा विभाग के जो लोग हैं उनको वहां भेजा गया। तो उन्होंने पानी होने की जांच की, जो तालाब है वहां पर उस जांच की। जांच करने के बाद 2-3 घंटे के अंदर मालूम चला कि उसमें कोई विषाक्त पदार्थ डाला गया है, जबकि इसके उलट उस क्षेत्र के विधायक मोहित राम केरकेट्टा, जो पाली तानाशाह के विधायक हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया कि ये टीका से, जो गलघोंटू बीमारी होती है, उस बीमारी के टीका लगने के बाद इनकी मौत हुई है। और 4-5 घंटे के अंदर पहली किस्त में 22, 5, 5 और 3 ऐसे करके लगभग 35 जानवरों की मौत हो गई। बड़ी विवाद की स्थिति है और ये कहा जा रहा है, दोनों पक्षों का कहना ये है कि टीका से मौत हुई है, और सरकारी जो पक्ष है, प्रशासन से जो लोग हैं, एसडीएम साहब जो गए थे, उनका कहना है कि तालाब में जहरीला पदार्थ डालने से इनकी मौत हो सकती है, संभावना है। उन्होंने पुष्टि नहीं किया कि मौत उसे हुई है, लेकिन बोले संभावना है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिराम इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरबा से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पालतू मवेशियों को मौत का टीका लगाया गया है। आपको बता दें कि 35 से अधिक मवेशियों के इस वक्त वहां मौत हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा लगाए गए टीके की वजह से उनके पालतू मवेशियों की मौतें हो रही हैं। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।